महर्षि दयानंद जी महाराज का जिस समय प्रादुर्भाव हुआ, उस समय देश की और दुनिया की सभी की दशा बड़ी शोचनीय थी। पश्चिम में पोप का साम्राज्य था, पोप, और इसलिए पाखंड को, अंधविश्वास को महर्षि दयानंद जी महाराज ने एक हिंदी साहित्य को नया शब्द दिया, पोप लीला। और पाखंडी अंधविश्वासी लोगों का भी नाम पोप रख दिया कि ये सब पोप हैं और ये पोप लीला करते हैं। जिस समय महर्षि दयानंद जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, उनके अपने जीवन यात्रा से कितनी ही बातें तो उनकी खाली जीवन यात्रा पढ़ने से पता चलता है। ऋषिवर ने स्वलिखित जीवन चरित्र में लिखा है, जब मैं घर से भाग करके और वैराग्य धारण करके जा रहा था तो रास्ते में कुछ साधु मिले, वैरागी साधु। कौन से साधु मिले? वैरागी, अर्थात जो वैराग्य के कारण साधु बने हुए थे। तो उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, अमृत की तलाश में, योगियों की तलाश में जा रहा हूं, भगवान को खोजने जा रहा हूं। बोला, हैं इतने सुंदर सुंदर कपड़े, ये गहने, और हाथ में तूने जो अंगूठियां पहन रखी है, इनको धारण किए किए वैराग्य नहीं हो सकता। तो बोले, वैराग्य कैसे होगा कि इनको उतार करके हमें दे दो और फिर तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। एक मिनट नहीं लगाई, ये नहीं कहा, ऐसा तर्क नहीं किया कि तुम लोगों को वैराग्य पहले से हुआ हुआ है तो तुम क्यों मांग रहे हो, तुम मेरी अंगूठियां क्यों मेरे से मांग रहे हो, कोई तर्क नहीं। क्यों? महर्षि दयानंद जी महाराज को उस समय इन बातों के सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं था और ना इसमें वो बुद्धि लगाते थे। उन्हें केवल आत्म कल्याण की चाहना थी। मैं अपने जीवन में मृत्युंजयी कैसे बनूं? घर जो छोड़ा, मैं उस दिन थोड़ा सा आपके बीच में चर्चा की थी, महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो घर छोड़ा वो कोई आर्य समाज की स्थापना के लिए नहीं छोड़ा था, वो तो परम पिता परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप से परिचित होने के लिए और मृत्यु का इलाज ढूंढने के लिए। सबसे बड़ा दुनिया में, देखो, जिस भी सबसे बड़ी बीमारी क्या है संसार में, सबसे बड़ी बीमारी का नाम बताओ, सबसे बड़ी बीमारी का लक्षण बताओ, चलो नाम तो छोड़ो, सबसे बड़ी बीमारी की परिभाषा बताओ, डेफिनेशन बताओ, सबसे बड़ी बीमारी किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? कैंसर। देखो, ये 2.5 साल का पोपलू है, इसको भी पता है दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है। कहां पहुंच गई है दुनिया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। हमें तो 2.5 साल के बालक थे ना, जब आप लोग जब 2.5-3 साल के थे, आप लोगों को ये नहीं पता था चड्डी क्या होती है और चड्डा क्या होता है, कुछ नहीं, कछनी नहीं पहननी आती थी आप लोगों को, तो कुछ नहीं पता था। अब 2.5 साल के बच्चे को पता है सबसे बड़ी बीमारी क्या है। अब देखो कहां पहुंच गई दुनिया। बोलते हैं ना, हम तो विकास कर रहे, अरे कितना विकास करोगे, इस विकास के पहिए को जरा रोक भी दो। आधुनिकता के अब 2.5-2.5 साल के बच्चों तक का तो पता चल गया कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी का नाम कैंसर है। नहीं तो 60-70 के दशक से पहले भारत में
किसको पता था कि कैंसर होती है, मतलब ही नहीं था। हार्ट अटैक, कैंसर, ये शुगर इत्यादि, और ले दे करके एक रोग था जिसका नाम रखा हुआ था राज रोग, एक रोग था जिसका नाम था राज रोग, उसका नाम था तपेदिक, टीबी, यक्षमा, उसका नाम राज रोग था। क्यों? राजाओं को होता था, बहुत धनी मानी लोगों को होता था, भोगी लोग, गरीबों को नहीं होता था, राजाओं को, भोगियों को, क्योंकि वो भोगी लोग होते थे। आज इतनी बीमारियां बढ़ गई, इतना संकट हो गया, तो मैंने पूछा था सबसे बड़ी दुनिया में बीमारी क्या है, सबसे बड़ी बीमारी की परिभाषा डेफिनेशन है जिसका दुनिया में इलाज नहीं। सबसे बड़ी बीमारी क्या है जिसका दुनिया में, यदि जुखाम का इलाज नहीं हुआ तो यही सबसे बड़ी बीमारी है, और यदि कैंसर का भी इलाज हो जाए तो वो छोटी बीमारी है। पर सब किस बीमारी का इलाज नहीं है दुनिया में, देखो हार्ट अटैक, कैंसर, शुगर, ब्रेन ट्यूमर सब का इलाज है, एक बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, वो है मौत। क्या है? मृत्यु का इलाज नहीं है, और इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए महर्षि दयानंद जी महाराज अपने घर को, परिवार को, माता को, पिता को, और जितने परिवार के लोग थे सबको छोड़ करके चले गए। क्यों? दूसरे, अभी उनकी मौत थोड़ी आई थी, ना बीमार हुए थे ना कुछ संकट था, दूसरे को मरते हुए देख करके ये निश्चय कर लिया कि एक दिन तूने भी मरना है। इसको कहते हैं बुद्धिमान। बुद्धिमान है वो जो दूसरों के घटती हुई घटनाओं से स्वयं शिक्षा ले ले, और सामान्य व्यक्ति है वो जो अपने साथ घटने के बाद में शिक्षित हो जाए, और महामूर्खाधिपति महामूर्ख मंडलेश्वर है वो जो न दूसरों से शिक्षा ले न खुद से ले। महर्षि दयानंद जी महाराज के साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी, चचा मरा, बहन मरी, तो उससे निश्चय हो गया कि किसी का भी नंबर आ सकता है, और उन्होंने तुरंत ये निश्चय कर लिया कि बस अब इसका इलाज ढूंढना है। दो व्यक्ति मृत्यु की देन है, यदि मृत्यु ना होती तो, मृत्यु की घटना घटना घटती तो दो व्यक्ति उस स्वरूप में ना होते हमारे बीच में, एक महात्मा बुद्ध और दूसरे महर्षि दयानंद। ये तो सीधे सीधे मौत का इलाज ढूंढने के लिए घर से निकले, मृत्यु का इलाज ढूंढना है। तो घर छोड़ने के बाद देखो, यदि मानव की देह, आज मैं सवेरे बोल रहा था, महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा मानव ही परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है और उसकी कृपा को प्राप्त कर सकता है, और मानव ही आए हुए दुखों का, संकटों का हल ढूंढ करके उनका विनाश भी कर सकता है। ये केवल मनुष्य की बात है, बाकी कोई प्राणी दुनिया का अपने ऊपर आए हुए संकट का निराकरण नहीं कर सकता। ले दे करके सबके बस में एक बात है, जब भी संकट की अनुभूति होती है भाग पड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, और भाग करके इधर उधर जा करके कोई छुप जाए तो छुप जाए, नहीं तो संकट का निराकरण नहीं कर सकते। अपने आप को भाग करके इधर उधर जा करके बचा ही सकते हैं और नहीं। मनुष्य किसी भी आए हुए संकट का निराकरण करता है। भूकंप आया, भूकंप का मुकाबला करने वाले मकान बना लिए, वर्षा अधिक हुई
तो वाटरप्रूफ बिल्डिंगें खड़ी कर ली, और किडनी फेल हुई तो दूसरे की किडनी घर परिवार के व्यक्ति की लेकर के और चढ़ाने का, ट्रांसप्लांट करने का साधन ढूंढ लिया। लीवर खराब हुआ वो भी बदल लिया, फेफड़े खराब हुए, धर्मपाल जी अपने आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं, हैदराबाद जाकर के वो भी बदल करके आ गए। हृदय यदि किसी का बेकार हो गया, सबसे बड़ा मुश्किल काम हृदय को ट्रांसप्लांट करना, पर उसे भी आधुनिक विज्ञान ने संभव कर लिया। अब हृदय है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट, बड़ा मतलब विचित्र कहानी है इसकी। मैं पिछले दिनों अमेरिका की यात्रा पे गया तो वहाँ एक हार्ट इंस्टीट्यूट गया, मेरे को डाउट था, मैंने कहा हृदय निकालेंगे आखिर कनेक्शन तो काटना पड़ेगा ना, नस नाड़ियाँ काट करके बाहर निकालेंगे तो जब ब्लड की सप्लाई नहीं रहेगी तो हृदय काम कैसे करेगा, मैं अपने आप में सोचता था। मैंने कहा असंभव है, कुछ समझ में नहीं आई बात। तो मैं हार्ट इंस्टीट्यूट गया, यूएसए यात्रा पे गया हुआ था, तो मेरे ही अपने एक भक्त थे, डॉक्टर स्पेशलिस्ट थे हार्ट के, डॉक्टर गुप्ता। तो उन्होंने कहा स्वामी जी भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। मैंने कहा कैसे? बोला ये जो हार्ट है ना, जिसने जिसको देना है, और यदि वो मान लो एक्सीडेंट होकर के मर जाए और किसी ने हार्ट डोनेट कर रखा है और लेने वाला समय पे नहीं है, तो 30 दिन तक यदि लेने वाला आ जाए तो हम उसको वो हार्ट लगा देंगे और वो काम करेगा, हम ट्रांसप्लांट कर दें। मैंने कहा असंभव, मैं तो 30 मिनट का ही नहीं भरोसा कर रहा था, आप 30 दिन की बात कहते हो? बोला हाँ। मैंने कैसे? बोला हम निकाल के डी फ्रीज कर देते हैं। अच्छा फिर? बोला उसकी अपनी एक बिजली है, उसकी अपनी स्वयं की एक धड़कन है, जिसको फिजिक्स की भाषा में कहते हैं साइनस नोड। वही साइनस नोड ब्रह्मांड में काम करता है, वही पिंड में काम करता है, इसलिए हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल में घोषणा की यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो जो ब्रह्मांड में है वही वही पिंड में है। तो मैंने कहा और थोड़ा समझाओ। उसने कहा स्वामी जी ये हृदय की बिजली काम करती है, साइनस नोड। तो मैंने आयुर्वेद की पुस्तकें थी मेरे पास, मैंने टटोला, तो ठीक ज्यों की त्यों वही बात ऋषियों ने कही है। हृदय में एक, उसका नाम है ओज, बोलते हैं ना बड़ा ओजस्वी वक्ता है, बड़ा ओजस्वी व्यक्ति है, तो उसका नाम आयुर्वेद में दिया ओज। तो मैंने उसे पूछा भाई, उसने कहा जब जिसको ये कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं ना, बोला कार्डियक अरेस्ट होता तब है जब ये बिजली खत्म हो जाए, किसी को ब्लॉकेज भी नहीं। कितने लोग ऐसे हैं, कितने तो ये जिम के ट्रेनर मरते हैं, ट्रेनर, जिम के ट्रेनर, कई लोग उसके ऊपर वो क्या होता है, क्या बोलते हैं, आटा मिल, अच्छा ट्रेडमिल, तो ट्रेडमिल होता है उसके ऊपर ही दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? वो तो दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो हृदय का ओज समाप्त हो गया, वो जो साइनस नोड है, वो जो बिजली है खत्म होगी, इसको बोला कार्डियक अरेस्ट, फिर एकदम कोलैप्स कर जाता हार्ट, क्योंकि उसमें अपना दम नहीं रहा। तो सज्जनों सुन लो फिर आज आप एक बात, ये जो हृदय की बिजली है, ये जो हृदय का ओज है, ये 5 कार्य करने वाले का बढ़ जाता है और 5 कार्य उसके विपरीत करने वाले का समाप्त हो जाता है। पहले कौन सा बढ़ाऊं बताऊं?
बढ़ाने वाला या समाप्त करने वाला? समाप्त करने वाला, बढ़ाने वाला। तो बढ़ाने वाला सुन लो फिर। ये जो हृदय की विद्युत है, ये जो बिजली है, ये जो साइनस नोड काम करता है, ये जो ओज है, ये पांच काम करने से बढ़ता है। कौन से पांच काम? सबसे पहले परम पिता परमेश्वर की उपासना करने वाला, ध्यान। बिल्कुल आदमी को बिल्कुल लेबोरेटरी में बिठा करके, मैंने स्वयं टेस्ट कराया, मशीनें लगा करके। पुणे में एक मशीन है, मैं और आचार्य सत्यजीत जी, जो मुनि सत्यजीत बने हैं अभी रोजड़ के, अजमेर में महामंत्री है परोपकारिणी सभा के, हम दोनों गए। उन्होंने मशीनें लगाई, मशीनें लगा करके फिर बोला आप ध्यान करो। ध्यान किया तो सबसे ज्यादा कंफर्ट, एकदम कंफर्ट जोन में सबसे पहले हार्ट आया, हृदय। सबसे प्रथम प्रभाव हृदय पे आया, कंफर्ट हो गया, बिल्कुल आराम, रिलैक्स, बिल्कुल संतुलित। तो सबसे पहला इस साइनस नोड बिजली विद्युत और ओज को सबसे पहला बढ़ाता है ध्यान, और घटाती है नास्तिकता। इसका उल्टा भी लेते जाओ साथ ही साथ, घटाती है नास्तिकता, ध्यान बढ़ाता है। दूसरा प्राणायाम, दूसरा कौन बढ़ाता है? प्राणायाम। तीसरा दान, जब आप आपकी जेब से पैसे निकल जाएं, कोई जेब कतरा आपकी जेब से 100 का नोट निकाल ले, आपको दुख होता है या सुख? दुख होता है, इसका मतलब आपके हृदय पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जब आप किसी गुरुकुल गौशाला अनाथालय में जाकर के स्वयं 50,000 रुपये जेब से निकाल करके दान देते हैं, उस समय आपके हृदय में पीड़ा होती है या सुख? सुखा, प्रसन्नता होती है ना, प्रसन्नता या पीड़ा? प्रसन्नता। इसका मतलब आपके हृदय को आराम पहुंचा है। कितने हो गए? तीन हो गए। और चौथा है अल्पाहार, चौथा है अल्प मात्रा में भोजन, थोड़ी मात्रा में भोजन, इसको बोलते हैं अल्पाहार, अल्प मात्रा, ठोंक करके नहीं। मान लिया चार, मान लिया कि 16 अंगुल का पेट है, 16 अंगुल, तो 4 अंगुल भोजन के लिए, 4 अंगुल पानी के लिए, और 4 अंगुल है हवा के लिए, और 4 अंगुल थोड़ा खाली स्थान और रहना चाहिए, थोड़ा मूवमेंट करें। और यहां 16 का 16 अंगुल परांठे से ठोक करके, फिर कहते हैं, बहुत विचित्र बात है। मैं तो देखता हूं कई बार विवाह शादी में या कहीं और, थोड़ा वैसे जाए ना घरों में, 10-5 लोग बुला रखे हों, पहले एपेटाइजर आता है, फिर पकौड़ा आता है, फिर एक पनीर का टुकड़ा आता है, फिर और कुछ आता है, फिर थोड़ा कोई मिठाई आती है, फिर और कुछ लेके आता है, तो हम कहते हैं नहीं 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 बस अब पेट में जगह नहीं है। बोला तो आओ चलो फिर खाना खाने चलते हैं, ऐसा ही होता है ना, हैं? पंजाबी में है ना, पंजाबी में तो कुछ भी आओ ना, हाँ जी दही बड़े पा दो जी, हाँ जी छोले भटूरे पा दो जी, हाँ जी बल्ले बल्ले नू भी पा दो जी,
हाँ जी, हलवा पा दो जी, आइसक्रीम जी पा दो जी, कस्टर्ड पा दो जी, हुण मनु चुक के मंजे ते पा दो जी, बस ये चलता है। हुण चुक के सानू ते मनु मंजे ते पा दो जी, बस पा दो। पर ये विनाश लीला है। जितने लोग हॉस्पिटलों में पड़े हैं, जितने भी लोग, और विशेष करके महंगे हॉस्पिटलों में जो जो लोग पड़े हैं, वो सारे वो लोग हैं पादो जी, वो पादो जी हैं बस, जिनको भूख नहीं थी पर चूंकि अपना माल घर में भरा पड़ा है, जो पेट के वो देख करके भोजन, गरीब आदमी पेट के हिसाब से भोजन करेगा, गरीब आदमी भूख देख करके भोजन करता है, अमीर आदमी घड़ी देख करके भोजन करता है। अमीर आदमी पेट के हिसाब से भोजन नहीं करता, भूख तो लगती ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो सारा समय पैसा कमाने में लगा हुआ है, बस पैसे के लिए सारा समय लगा दिया, तो उसके लिए समय लगाएंगे तो नींद और भूख दोनों ही उड़ गई। इसलिए नींद और भूख खरीदने के लिए 8 बजे मेडिकल स्टोर पे जाता है आदमी, 2 गोलियां नींद की खरीद के लाता है और 2 खाना खाने के लिए और 2 पचाने के लिए खरीद के लाता है। चौथा हो गया, और पांचवा है ब्रह्मचर्य का नाश। जो व्यक्ति गृहस्थ में भी है, नियम पूर्वक गृहस्थ में रहते हैं, नियम पूर्वक, महर्षि मनु ने उनको भी ब्रह्मचारी कहा है। ऐसे ही नहीं, अविवाहित व्यक्ति या कोई सन्यासी या आचार्य, वो ही ब्रह्मचारी नहीं होता, नियम पूर्वक गृहस्थ के नियमों का पालन करने वाला और गृहस्थ का व्यवहार करने वाला व्यक्ति भी ब्रह्मचारी है। और जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता, ब्रह्मचर्य का नाश करता है, उससे व्यक्ति की ये जो हृदय की ये जो साइनस नोड है, जो ये ओज है, ये खत्म हो जाता है। और खत्म ऐसे नहीं है कि वो कोई उसमें है, किलो के हिसाब से है, आधे किलो के हिसाब से है, या कोई 500 ग्राम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या होता है, इनसे, इन सब क्रियाओं से प्राणों की गति विपरीत होती है। प्राणों की गति, मृत्यु प्राणों की गति विपरीत हुए बिना नहीं आती। जब तक आप अपने प्राणों की गति अनुकूल रखोगे, तब तक मृत्यु नहीं आएगी। ये आपके हाथ में है। जिस दिन प्राणों की गति विपरीत होगी, अभी एक आदमी सड़क पे गिर जाए या एक्सीडेंट हो जाए, सिर सड़क पे लगा, ब्रेन हैमरेज हुआ, तो क्या हो गया? प्राणों की गति विपरीत हो गई। किसी के सिर में लठ मारा, आदमी गिर गया, बेहोश हो गया, क्या हो गया? प्राणों की गति विपरीत हो गई। जब उसका एक उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनना, जब आदमी मरता है तो उसके गले से घरड़ घरड़ की आवाज आती है, आती है ना? क्यों, क्या है वो? प्राण और अपान की गति विपरीत हो गई। वो श्वास को भीतर खींचना चाहता है और श्वास बाहर फेंकना चाहता है, उसको, प्राण को, गति विपरीत होगी, इसलिए खां खां की आवाज आती है, संघर्ष चल रहा है। और एक समय आता है कि वो हार जाता है बेचारा, शांत हो जाता है। ये 5 कार्य जो मैंने बताए, ये ब्रह्मचर्य का पालन, अल्पाहार, दान, ध्यान, प्राणायाम, ये आपके प्राणों की गति को अनुकूल रखते हैं, स्मूथ
उसको एक अनुकूलता देते हैं। तीसरा समुल्लास पढ़ना, महर्षि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, अत्यधिक भोग के कारण मनुष्य के प्राणों की गति विपरीत होकर के मृत्यु आ दबाती है। तीसरे समुल्लास में लिखे, आप देखना, आप ज्यादा भोजन करो तो उससे शरीर में भारीपन आता है, हल्कापन, इसका मतलब आपके प्राणों की गति विपरीत। अब कम किससे मतलब, ये बिजली जाती किन से है वो भी सुन लो। अधिक खाने से जब आदमी ठूस ठूस करके खा लेता है ठोंक ठोंक करके खाता है तो उसकी जो ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। हरियाणा में कहावत है, मूर्ख आदमी या तो ज्यादा खाने से मरता है या ज्यादा उठाने से मरता है, या तो ज्यादा वजन उठाने से मरेगा और या ज्यादा खाने से मरेगा, ये मूर्ख की पहचान है। जब आप ज्यादा भोजन कर लेते हो तो आपको करवट भी नहीं ली जाती, तस तस बोलता रहता है अंतःकरण, वो प्राणों की गति विपरीत हो गई। पहला। दूसरा आलस्य, आलस्य दूसरी चीज है। आलस्य भी आपके प्राणों की गति को विपरीत करती है। आप पढ़े रहो सुबह से लेकर के शाम तक चार पाई पे पढ़े रहो, आराम आएगा या थक जाओगे? फिर रात भर पढ़े रहे, फिर अगले दिन पढ़े रहे, थकोगे या आराम महसूस करोगे? थकावट होगी, कोई काम किया है, थकावट क्यों हो गई? आप तो लेटे हुए हो, आपने तो टांग बाजू इधर से इधर हिलाई नहीं, फिर आप थक क्यों गए लेटे लेटे? क्योंकि आपके प्राणों की गति विपरीत हो गई है। आलस्य, महर्षि मनु ने चार मौत के दरवाजे बताए, मृत्यु के चार दरवाजे, उन चारों में से किसी ना किसी दरवाजे से मृत्यु प्रवेश करती है, कोई एक दरवाजा, और आदमी खोलता अपने हाथ से है, ऐसे नहीं। मैं आपको आज एक बात बता करके जा रहा हूं, कभी भी मौत अपने आप दरवाजा खोल के नहीं आती, मरने वाला मौत के लिए दरवाजा स्वयं खोलता है, मृत्यु नहीं। कभी मौत को कोई शौक नहीं है किसी को मारने का, मृत्यु को कतई कोई आवश्यकता नहीं है, ना मृत्यु की कोई इच्छा है, ना उसकी चाहना है कि मैं किसी को मारूं। पर जब मरने के लिए तैयार है फिर वो अपनी ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी ना। अच्छा, पुलिस की इच्छा है कि आपका वो चालान काटे? जो चालान कटवाने के लिए तैयार है उसी का तो काटेंगे ना। राजा की क्या इच्छा है कि वो आपको जेल में डाले? पर जो जेल में जाने को तैयार ही बैठा है उसी को तो जेल में डालेंगे ना। मृत्यु की कतई ये चाहना नहीं है कि वो आपको मारे, पर जो मरने के लिए तैयार बैठा है, पर अपने कर्तव्य का पालन तो मृत्यु को करना ही पड़ेगा। वो चार दरवाजे जहां से मृत्यु प्रवेश करती है, क्या है? अनाभ्यासेन वेदानाम, अच्छा तो सुनो, पहला दरवाजा कौन सा है? नास्तिकता।
भगवान को नकारने वाले व्यक्ति को हमारे शास्त्रों में नास्तिक नहीं कहा। परमेश्वर से कोई ना कर दे उसको नास्तिक नहीं कहा। नास्तिको वेद निंदका, वेद की निंदा करने वाले व्यक्ति को नास्तिक कहा है, जो वेद की निंदा करे। इसलिए महर्षि मनु ने कहा, अनाभ्यासेन वेदानाम, वेदों का अभ्यास छोड़ देने से सबसे पहला मृत्यु का दरवाजा खुलता है। द फर्स्ट गेट फॉर द एंट्री ऑफ डेथ, द फर्स्ट गेट टू एंटर फॉर द डेथ। अनाभ्यासेन वेदानाम, वेदों का अभ्यास छोड़ देना, आपने पहला दरवाजा खोल दिया। वेदों का अभ्यास कीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए, स्वाध्याय कीजिए, श्रवण कीजिए, सुनाइए, उससे आपके हृदय का ओज, साइनस नोड, विद्युत, बिजली बढ़ेगी, कंफर्ट जोन में आ जाएगा हार्ट। सबसे ज्यादा अत्याचार यदि किसी अंग पे हम करते हैं, वो किस पे करते हैं? हृदय पे। और बेचारा आंख तो 24 घंटे में 6-8 घंटे के लिए बंद हो जाती है, मुंह भी बंद हो जाते हैं, कान भी बंद हो जाते हैं, हाथ पांव भी विश्राम ले लेते हैं। ये हृदय तो गर्भ स्थापना के 16वें-18वें दिन से लेकर के अंतिम श्वास तक बिना रुके, बिना थके, बिना सोए लगातार काम करता है, बावजूद इसके हजारों आक्रमण सहने के बाद भी, है ना। वो फिल्मों में गीत गाते हैं ना, कितने टुकड़े होते हैं दिल के, कितने होते हैं? हजार। बेचारे कोई ये नहीं कहता मेरे दिमाग के टुकड़े हो गए, मेरी टांगों के हो गए, मेरे मुंह के हो गए, या मेरे कानों के हो गए। टुकड़े किसके करते हैं? फिर भी बेचारा काम पे लगा हुआ है। अनाभ्यासेन वेदानाम, जो वेदों का अभ्यास छोड़ दे। आचारस्य च वर्जनात्, जो ब्रह्मचर्य का नाश करे और वर्जित आचरण करे, आचार वर्जित आचरण करने वाला दूसरा गेट खोलता है। तीसरा है आलस्याद, आलसी आदमी। और चौथा है अंदोषात, दूषितन, अर्थात मांसाहार इत्यादि, ये जो दूषितन है इनका सेवन करने वाला और अधिक मात्रा में खाने वाला। ये लोग अपने जीवन में अपने हाथों से मृत्यु का दरवाजा खोलते हैं, मौत का दरवाजा। तो दूसरा जो मैं कारण बता रहा था आपको, अधिक भोजन के बाद में दूसरा है क्रोध। क्रोध भी आपके प्राणों की गति विपरीत करता है। भयंकर भयंकर क्रोध आ जाए। मैंने एक हमारे सन्यासी को देखा, स्वामी ओमानंद जी महाराज थे योग तीर्थ, जिन्होंने योग दर्शन के ऊपर बहुत प्यारी एक टीका लिखी थी, बहुत प्यारी टीका। वो हृदय के रोगी हो गए थे, मैंने देखा बचपन, मतलब बुढ़ापे में हृदय रोग था उनको। हमने पूछा, स्वामी जी आपको हृदय रोग क्यों हो गया, आप तो योगी हैं। सच में योगी थे। बोला, स्वामी जी एक बार जवानी में मेरे को इतना भयंकर क्रोध आया एक आदमी पे, इतना भयंकर आया कि मैं हृदय का रोगी हो गया। चीख करके क्रोध कर दिया
आप भयंकर चीख दो किसी के ऊपर, देखना टांगों में दर्द हो जाएगा, शरीर में दर्द हो जाएगा, हो जाता है ना। भयंकर क्रोध करने के बाद में कंपन, कांपने लगता है ना शरीर, क्यों? प्राणों की गति विपरीत हो गई है, मृत्यु आ दबाएगी। मैंने एक दिन स्वयं एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, मुझे किसी बात पे भयंकर क्रोध आ गया, सारा दिन मेरी इस बाजू में और टांग में दर्द रहा। सायंकाल फिर मैं थोड़ा लंबे समय तक ध्यान किया, प्राणायाम किया, भोजन बहुत अल्पाहार लिया, जल्दी सो गया और सुबह जल्दी उठा, तब जाकर के ठीक हुआ। प्राणों की गति विपरीत हो जाएगी। दूसरा, एक और जो प्राणों की गति विपरीत करती है वो है द्वेष, ईर्ष्या, जलन, वो भी प्राणों की गति विपरीत करती है। तीसरा, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, मी माइन, मी माई माइन, बस आई माई मी माइन, चार ही शब्द है बस, आई माई मी माइन, बस जो केवल इन चार शब्दों को जीता है, प्राणों की गति विपरीत हो जाएगी, बहुत जल्दी मर जाएगा, बहुत जल्दी। इनसे बचना है और इससे बचने का नाम ही योगाभ्यास है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस बात को पग पग पर अनुभव किया। एक जगह वो अपनी यात्रा में गए, जो मैं बता रहा था आपको, स्वयं के जीवन को छोड़ करके बाकी जाए भाड़ में, ऐसी विचार रखने वाला। ये जो नई सभ्यता है ना, इस नई सभ्यता ने, नई एजुकेशन ने, नए लोगों ने, नई दुनिया ने एक नया वाक्य घड़ करके आजकल बच्चों की जुबान पे आ गया है। कोई भी बात कहो तो आगे से नौजवान बच्चे कहते हैं आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मैं बता रहा था पिछले दिनों अमेरिका की मैं घटना सुना रहा आपको, एक परिवार में मैं गया तो वो बूढ़ा आदमी अपने बच्चों को बोल रहा है, और मैं तुहाडे लई ए कीता, मैं अपनी जवानी गाड़ दी, और मैं सारा, मैं जवानी में कुछ, मैं तुम्हारे लिए ए कीता ए कीता ए कीता। वो बच्चे सुनते रहे सुनते रहे, अंत में बच्चों ने एक ही, उन्हें से एक बच्चा उठा एक ही वाक्य बोला, Who the hell told you to do that? किसने कहा था आपको ये सारा करने के लिए? I don't care. What did you do? I don't care. छुट्टी। ये जो I don't care है ना, ये आपके हृदय पे लगने वाला हथौड़ा है, खा जाएगा एक दिन। उसका प्रमाण देता हूं। आप खेत में बैठे हैं, आपके पास में चार रोटियां पहुंची, चारों रोटी आप खा गए, वो रोटी आपके लिए जहर बन जाएगी, क्योंकि तीन भूखे आदमी और बैठे थे, आपने पीठ घुमाई और चारों रोटी आप खा गए। एक दूसरा आदमी है, वो भी भूखा है, तीन आदमी और भूखे बैठे हैं, उसके पास में भी चार रोटियां पहुंची, उसने एक रोटी खुद खाई और एक एक रोटी तीनों भूखे आदमियों को दे दी, उसकी वो एक रोटी अमृत बन गई, अमृत। इसलिए मैं, गुरु नानक देव जी महाराज ने सिक्खी को तीन वाक्यों में नबेड़ दिया, तीन वाक्य, तीन नियम में नबेड़ दिया सिक्खी को। सिक्खी की फाउंडेशन है ना जो, तीन वाक्य, और तीनों वेद के हैं, तीनों यजुर्वेद के 40वें अध्याय के हैं। क्या है? नाम जपो, ईशावास्यमिदं सर्वम, ओम क्रतो स्मरा, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का वाक्य है, ओम क्रतो स्मरा। दूसरा क्या है? कीर्त करो,
कुर्वन एव इहा कर्माणि जिजी विशेषतम समा, जो कि त्यों एज इट इज, जो कि त्यों वेद का मंत्र है उसका अनुवाद है। और तीसरा क्या है, वंड छको, वंड छको, छको तो जरूर परमाठ करके, तो इसका जो कि त्यों बांट करके खाओ, जो कि त्यों यजुर्वेद में तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्विधनम। ये जो बोलते हैं ना आई डोंट केयर, आप समझो कि आपने अपने जीवन पे कुल्हाड़ा मार लिया। जब आप किसी रात को सर्दी में ठिठुरते हुए व्यक्ति के, देखो एक ही हमारे दादा गुरु स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज मोही के थे, सिख जट सिख परिवार में पैदा हुए, सरदार केर सिंह नाम था। वो कहा करते थे एक ही कर्म से व्यक्ति, एक ही कर्म से व्यक्ति इंसान भी बनता है, उसी कर्म से व्यक्ति भगवान भी बनता है। कर्म एक ही है। उन्होंने उदाहरण दिया, सेठ ने किसी से पूछा था, किसी योगी से, जी कौन सा कर्म? बोला वो करने वाले के तरीके पर निर्भर करता है। उसी कर्म से व्यक्ति इंसान बनता है और उसी से भगवान बनता है। बोला जी कैसे? चलो मैं करके दिखाता हूं। उसने 10 कंबल ले लिए, सेठ को बोला 10 कंबल लेकर के चलो। सर्दी के मारे लोग ठिठुर रहे थे, 10 जागते हुए मनुष्यों के ऊपर कंबल उड़ा दिया, 10 लोगों को कंबल दे दिया। तो किसी दूसरे आदमी ने पूछा कि किसने कंबल दिया, किसने उड़ाया? कि रतन सिंह सेठ ने उड़ा दिया, इंसान न रहा ना। बोले जी अब दूसरा कर्म कौन सा है? कि चलो मेरे साथ। रात को नदी के किनारे बेचारे मजदूर भिखारी सर्दी के मारे पेट में घुटने घुसेड़ करके, हाथें हाथ छाती के नीचे घुसेड़ के लेटे पड़े थे, सर्दी बेचारों को तंग कर रही थी, सो नहीं पा रहे थे। बोला इनके ऊपर एक एक कंबल उड़ा दो। उड़ा दिया। सुबह उठ करके उन्होंने देखा कंबल उड़ा दिया। तो किसी ने पूछा रे कंबल कौन उड़ा गया? बोला भगवान ने उड़ा दिया। बिना, इसको बोलते हैं भगवान बनना, इंसान नहीं है वो। क्यों? क्योंकि देने वाले को तो पता है मैं दे रहा हूं, लेने वाले को पता नहीं है कि कौन दे गया। इसलिए बोलते हैं जब ये हाथ देना तो इस हाथ को, वो पंजाबी में कहावत है ना, नेकी कर कुएं में। सरदार करतार सिंह था गुरदासपुर में, वो ढूंढ रहा था एक दिन मैं नेकी करूं, मिल गए 2-3 बाबा जी, पहले घी शक्कर सरों का साग दही मक्खन रोटी सब खिलाए, खिला के पकड़ करके नीचे से धूम मारा कुएं में दे करके। बोला क्या हुआ? बोला तुसी तो कहते हो भाई नेकी करो तो कुएं विच डालो। बोला पहले असी नेकी की थी, हूं तो फट के कुएं डाल दिया। ऐसी नहीं करनी, नेकी कर और कुएं में डाल कर था। मैं, हमारे स्वामी करमवीर जी हैं पुरकाजी में, योगी हैं, आयुर्वेद के पंचकर्म के मर्मज्ञ हैं। किसी को कोई असाध्य रोग हो जाए तो उनके पास जाना, 72 वर्ष की आयु है, ऐसा लगता है कि जैसे 30 साल का आदमी है। केवल केवल किसके कारण? परोपकार। वो बोलते हैं स्वामी जी मेरा नियम है कि नेकी करो और कुएं में डालो। कोई व्यक्ति कोई बुरा माने भला माने, एहसान माने या ना माने, अपनी तरफ से आपका काम परोपकार करना है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, देखो हम कहते थे जी ये ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे तो ऐसा, देखो सुनो, वो कहते थे तुम्हारा काम है दाने डालना, दाना बिखेरो, तो चुगने के लिए हंस भी आएंगे और कौवे भी आएंगे। यदि आप दाना डालोगे तो चुगने के लिए हंस भी आएंगे कौवे भी आएंगे, और यदि आप दाना नहीं डालोगे ना हंस आएंगे ना कौवे आएंगे, फिर कोई भी नहीं आएगा।
आपका काम है आप दाना डालें, परोपकार। इन पांच कर्मों के करने से आपकी आयु बढ़ती है और इन पांच कर्मों के न करने से आपकी आयु घटती है। इसलिए बोला आयु का घटाना और बढ़ाना मनुष्य के हाथ में है, पर 400 साल से ज्यादा नहीं कर सकते, 400 साल से ज्यादा नहीं है, पर 200 साल तक का तो मेरे सामने प्रमाण है, 200 साल का मेरे सामने प्रमाण है, 200 साल का। कैसे? एक बच्चे की 3 साल की उम्र में आंख खराब हो गई और एक 103 साल का बूढ़ा आदमी मरा, आंखें बिल्कुल 6x6 थी बिना चश्मे के, उसने अपनी आंखें दान दे दी मरने से पहले ही। उस बूढ़े आदमी की आंख निकाल करके उस बच्चे को लगा दी और वो बच्चा भी 100 साल जिया। आंख की उम्र कितनी हो गई? आंख की उम्र कितनी हुई जी? 200 साल होगी ना। तो शरीर के अंगों की उम्र जब 200 साल है तो शरीर की उम्र 200 साल क्यों नहीं हो सकती? आप नहीं होने देते, होना चाहती है। बच पैदा ही नहीं करने आते, छोड़ इस विषय का तो फिर चलो कभी फिर कर लेंगे। पांच काम याद हैं, याद हैं, करने वाले याद हैं, गिनाओ। ध्यान, प्राणायाम, अल्पाहार, दान, ब्रह्मचर्य। दान और ये पांच काम करेंगे तो प्राणों की गति अनुकूल रहेगी और आयु बढ़ेगी। और पांच काम घटाने वाले, नास्तिकता, नास्तिकता, ब्रह्मचर्य का नाश, ज्यादा खाना, क्रोध, आई डोंट केयर, ज्यादा खाना और आलस्य इकट्ठे मिल गए। और पांचवा कौन सा है? आई डोंट केयर, पांचवा ये, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। ये जो सबसे खतरनाक स्थिति है ना, ये मनुष्य के जीवन के लिए घातक है। तो आपने दोनों मान लिए, दोनों सीख लिए, अब आपकी मर्जी है, मृत्यु के लिए दरवाजा खोलो या अपना दरवाजा बंद रखो। ध्यान रखना, दरवाजा बंद रखोगे तो मौत नहीं आएगी, दरवाजा बंद रखोगे तो मृत्यु नहीं आएगी, और खुला छोड़ करके रखोगे तो पक्का आएगी। अब आपने देखना है कि दरवाजा खुला रखना है या उसको बंद रखना है। तो बहुत शुभ आशीर्वाद, सबका मंगल हो, कल्याण हो, सब सुखी रहे, सबका आनंद हो।